गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल नवजीवन गरसाना। नाउ वी स्टार्ट अवर सेवन्थ क्लास सेकंड चैप्टर। देखो, इस चैप्टर में हमने अब तक क्या पढ़ा था कि गिफ्ट ऑफ चप्पल्स में मृदु अपने आंट के घर जाती है, तो वहाँ पर उसके जो भी कजन्स हैं वो उसके साथ खेल रहे हैं, उसके साथ बातें कर रहे हैं। सडनली उनके घर पे एक किटन है, एक छोटी सी बिल्ली है, उसके बारे में वो बात करते हैं। और वो किटन क्या है, उसके लिए वो दूध लेकर आते हैं छुपा कर, क्योंकि वो उनकी दादी माँ से छुपा कर उनके घर में रखी गई है। तो वो दूध क्या है, वो दादी माँ लेके नहीं जाने देती, वो छुप कर लेके जाते हैं, तो उन्हें वो आधा वहीं गिराना पड़ता है, आधा पीना पड़ता है। तो उसके बाद अब वो उसी बिल्ली के बारे में बात करें कि ये बिल्ली कहाँ से आई है, कैसी है, कौन है। तो वो कहते हैं कि ये बिल्ली जो है ये अपने प्राचीन घर से आई है, महाबलीपुरम से आई है। तो वो अब इसी बिल्ली के बारे में, इसी कैट के बारे में बात करते हैं आगे। देखो, हाउ ही लव्ड द साउंड ऑफ हिज ओन वॉइस, वे अपनी ही आवाज़ से कितना प्यार करते थे, अपने ही साउंड से। मीना एंड मृदु एक्सचेंज लुक्स, मीना एंड मृदु क्या करते हैं, अपने लुक एक्सचेंज करते हैं, यानी कि एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वट डज दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, हम क्या कर सकते हैं, दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, यानी कि इस बिल्ली के साथ जो भी हुआ, दैट हैव टू डू विद एनी थिंग, इसके साथ कुछ भी हुआ हुआ हम क्या कर सकते हैं। मृदु डिमांड, मृदु ने मांग की, हु आई एम टेलिंग यू, अरे मैं तुम्हें बताता हूँ, दिस कैट इज डिसेंडेड, ये जो बिल्ली है इसको उतार दिया गया, यानी कि अपने वंश से बाहर निकाल दिया गया। इस बिल्ली को क्या किया गया, अपने वंश से बाहर निकाल दिया गया, फ्रॉम द इजिप्टियन कैट गॉड, इजिप्टियन मिश्र की जो बिल्लियों की भगवान है, बिल्लियों की जो देवता है, उसने अपने वंश से इस बिल्ली को क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया। नो गॉडेस बेस्टेट, नहीं देवी, नहीं अच्छे महान भगवान, या दैट इज, हाँ आपने यही किया, यानी कि उन्होंने क्या किया, इस बिल्ली को अपने वंश से, अपने होम से, अपनी जगह से बाहर निकाल दिया। सो इसलिए फिर आगे वो जवाब देगा, वेल वन ऑफ द डिसेंडेंट ऑफ दैट कैट गॉडेस, वन ऑफ द डिसेंडेंट, देख एक उतारी हुई या फिर एक निकाली हुई बिल्ली ऑफ दैट कैट गॉडेस, उस बिल्लियों की देवी के द्वारा, वाज ए स्टोवे इन वन ऑफ द प्लावा शिप, वो क्या है, स्टोवे होता है अपने आप को छिपाना, क्या होता है, अपने आप को यात्रा में छिपाना, इन वन ऑफ द प्लावा शिप, प्लावा शिप, प्लावा शिप का नाम है, एक जहाज का नाम है। तो एक ऐसी बिल्ली और है जिसे उस कैट गोडेस ने बाहर निकाल दिया था, वो अपने आप को क्या है, प्लावा शिप के अंदर छिपाती रहती है, अपने आप को क्या करती है, छुपा लेती है जहाज के अंदर। एंड हिज डिसेंडेड वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, और उसको बाहर निकाला था, वाज द महाबलीपुरम ऋषिकेट, महाबलीपुरम के ऋषिकेट ने, महाबलीपुरम का जो मुख्य गेट था उसने उसे बाहर निकाला था। हुज डिसेंडेड इज, जिसको बाहर निकाला गया, रवि फ्लोरिश इज ट्विग एट महेंद्रन, रवि फ्लोरिश्ड, रवि ने चमका दिया, ठीक है, रवि ने क्या किया, चमका दिया, चमकाना, हिज ट्विग, उसके ट्विग को, उसके झंडे को, एट महेंद्रन, महेंद्रन के घर पे, यानी कि उस ऋषिकेट को जहां पर बाहर निकाल दिया गया, तो रवि उसे घर पे ला करके हिज ट्विग, उसकी टहनियों को, उसकी जिस जो भी चीज थी, उसे महेंद्रन के घर पे, महेंद्रन की जगह पे लटका, चमका दिया। एमपी पुनाई हेयर, एमपी पुनाई भी यहाँ पर है, हु पैक हिस्ट्रिक, वह चिल्लाता है, वेरी प्लीज विद हिमसेल्फ, उसे बहुत खुश होकर के, यानी कि तभी एमपी पुनाई कौन है, ये महेंद्रनी है, ये वहां पर पहुंच जाता है। ये देखो, एक बिल्ली थी जिसको निकाल दिया महाबलीपुरम के ऋषिकेट ने, रवि उसे वहां से लाया और उसे महेंद्रन के अंदर चमका दिया, यानी कि उसे रखा गया। और एमपी पुनाई हेयर, एमपी पुनाई भी यहाँ आ गए, तो हिस्ट्रिक वह चिल्लाता है, वेरी प्लीज हिमसेल्फ, और क्योंकि वो एमपी पुनाई से बहुत खुश है उसे वहां पर देखकर। महेंद्रन लुक्ड अप अलार्म्ड, महेंद्र उसे अलार्म्ड, एक चेतना से, एक आश्चर्य से उसे देखता है, अलार्म, एक बार चौंक कर उसे देखता है। ही हैड जस्ट बीन, वह अभी अभी, जिसने अभी अभी शार्पनिंग तेज किए हैं हिज क्लास, अपने पंजे को, क्लास होता है पंजे, अपने पंजे को, ऑन द एज ऑफ द कोकोनट शेल, यानी कि कोकोनट की जो शेल है, कोकोनट की जो ऊपर वाली छाल है, उसके जो किनारे से रगड़ के उसने अपने क्या किया, पंजे तेज किए हैं। बट रोस देन रविज अवेफुल हुप एक्वाजे रिच, रवीज अवेफुल हुप एक्वाजे क्रिच, लेकिन रोस देन, इससे भी बुरी क्या है, रवि की भयानक, अवेफुल होता है भयानक, हुप होता है ललकार, उसकी भयानक ललकार, एक्वाजे रिच, एक चीख है, यानी कि रवि जब चिल्लाता है ना तो वो बहुत बुरी है, किसकी बजाय, उस बिल्ली के पंजों की बजाय, उसके रवि की जो भयानक चीख है वो बहुत बुरी है। फ्रॉम द विंडो, खिड़की से आती है, व्हाट ए वियर्ड साउंड, कितनी अजीब आवाज है, वियर्ड साउंड मतलब अजीब, कितनी अजीब आवाज है। इफ मृदु वाज स्टार्टर,
यदि मृदु चौंक जाती, स्टार्टेड होता है चौंकना, यदि मृदु चौंक जाती, एमपी पुनाई वाज फ्राइटन, एमपी पुनाई डर गया था आउट ऑफ हिज विट्स, उसकी इस बुद्धिमानी से, यानी कि उसकी ये जो सोच थी, उसके ये जो काम थे, उसकी वजह से एमपी पुनाई क्या हुआ, डर गया था। एमपी पुनाई किसका नाम रखा हुआ है, एक बिल्ली का नाम रखा हुआ है एमपी पुनाई, तो एमपी पुनाई डर गया। हेयर स्टैंडिंग ऑन एंड, उसके बाल खड़े हो गए थे, स्टैंडिंग ऑन एंड, ही बाउंस्ड अप एंड स्क्रिट टुवर्ड ए बैम्बो ट्रे ऑफ रेड चिलीज, ही बाउंस्ड अप, उसने बाउंस किया यानी कि छलांग लगाई, बाउंस्ड अप होता है छलांग लगाना, उसने छलांग लगाई, एंड स्क्रिट टुवर्ड, और चली गई या फिर कूद गई टुवर्ड ए बैम्बो ट्रे, एक बांस की प्लेट ट्रे बनाई हुई है, रेड चिली जिसमें लाल रंग की मिर्च पड़ी है, दैट हैड बीन सेट आउट ऑफ टू ट्रे, और वह उस सेट आउट टू ड्राई, और जहाँ पर वो सूखने के लिए रखी गई थी, यानी कि रेड चिली लाल मिर्च है, वो सुखाने के लिए रखी गई थी बैम्बो ट्रे के अंदर, लेकिन जब रवि ने चीख मारी तो मृदु भी डर गई, और जो एमपी पुनाई बिल्ली है वो भी डर गई, इतना डर गई कि उसने छलांग लगा दी उसी ट्रे के अंदर। ट्राइंग टू हाइड बीनीथ इट, वो कोशिश कर रही थी अपने आप को इस ट्रे के नीचे छुपाने के लिए, ही टिप्ड ए फ्यू चिलीज ओवर हिमसेल्फ, कुछ मिर्च उसके ऊपर भी गिर गई, म्याऊ ही अलाउड मिजरेबली, वह हलाउड मिजरेबली, बहुत ही दयनीय स्थिति से, बड़े ही दयनीय स्थिति से बहुत जोर से चिल्लाती है, जो भी बिल्ली की आवाज़ है वो निकालती है। द क्रीचिंग वेंट ऑन एंड ऑन, ये चीख चलती रहती है, यानी कि चीख बार बार निकलती है। वॉट इज दैट नॉइज, सेड मृदु, मृदु पूछती है कि आवाज़ आ किस चीज़ की रही है। दैट्स लाली लर्निंग टू प्ले द वॉयलिन, ये आवाज़ है किसकी, लाली सीख रही है प्ले द वॉयलिन, वॉयलिन बजाना, वॉयलिन बजाना सीख रही है। ग्रंटेड रवि, रवि गुर्राता है, रवि गुर्रा कर क्या बोलता है कि ये तो लाली की आवाज़ है, क्योंकि वो क्या सीख रही है, वॉयलिन बजाना सीख रही है। शी विल नेवर लर्न ए थिंग, वो इस प्रकार की चीज कभी नहीं सीख सकती। द म्यूजिक मास्टर जस्ट गोज ऑन प्लेइंग लाइक ए ट्रेन, क्योंकि जो म्यूजिक मास्टर है जस्ट गोज ऑन, वो ऐसे सिखाए जा रहे हैं प्लेइंग लाइक ए ट्रेन विजिंग, जैसे कि कोई ट्रेन चला रहे हो और ट्रेन की आवाज़ आती है ऑन एंड ऑन, लगातार आ रही है। वाइल लाली इज ऑल द टाइम ड्रेलिंग, और लाली पूरा टाइम ड्रेलिंग, मतलब उसी ट्रेन के झटके की तरह हिलती रहती है, गोइंग कम्प्लीटली ऑफ ट्रैक, और अंत में जा कर के ट्रैक यानी कि अपने रास्ते से नीचे उतर जाती है। यानी कि म्यूजिक सिखाने वाला मास्टर भी अगर ट्रेन की आवाज़ की तरह इस पियानो को बजा करके, वॉयलिन को बजा करके उसे सिखाता है, और लाली भी डीरेलिंग उसी तरह से चलाती रहती है उस म्यूजिक को, और लास्ट में जाकर के अपने रास्ते से भटक जाती है, नीचे उतर जाती है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा फर्स्ट पार्ट यही कंप्लीट होता है, फर्स्ट पार्ट के क्वेश्चन आंसर आपको कल करवाएंगे। थैंक यू।